तो आज वीडियो मत बना अभी। अरे नहीं भैया मत बना अभी, मूव करना जरूरी नहीं भैया अभी मत बना, नहीं रहने दो मेरे को, मत ले मत बना। अरे जरूरी है यार भैया, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो ये इस चीज के लिए। मत तो बना अभी, तू रुक तो जा, मत करवा ले यार मंडी सर को करना है। नहीं सुबह 12 बजे यहां से चले गए थे सब, तुम दोनों अलग अलग कर देता दोनों को, बात खत्म हो जाती कुछ देर का रहता, 5 मिनट भी वो सब बर्बाद ही हो गया। क्या नाम हो वो भी खबर गया था वैसे, ऐसे भी सब बराबर आराबर मेरे लिए हो गए। क्यों? अरे पैसे तो ज्यादा दे दिए हो मैंने। नहीं तो हाँ लगे, मैंने कहा ठीक है भाई काम चल रहा है सब अपना, वैसा नहीं है यार जब जिसकी जैसी अपने से जितनी मदद हो सके अपन तो। 8:30 बज गए डिलीट कर दो भैया, रुको सुन रहा हूँ। डिलीट कर लो उसने बोला सबको जाना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। क्या बोल रहे? क्या बोला सबको, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, काम नहीं देती फिर वही हम यार देखो उसको बंद करो। नहीं वो तो चालू रहेगा बाबा, वो बोल के मना लो वहां चला गया। गाइस तो हम लोग प्रैंक वीडियो बना रहे हैं, आप लोग YouTube में देखना तो प्रैंक ही समझ में, ठीक है? कोई प्रैंक रैंक नहीं है। क्या यार बार बार का मामला, बिल्कुल
कैसा करना है तू तो? पूछो कैसा क्या करना है, जैसा बोला अपन वैसे में तैयार। पहले बता वीडियो रोकी कि नहीं रोकी मैं नहीं डाले तीन मिनट बाद नोटिफिकेशन दे तीन मिनट बाद नहीं जानती अब कहाँ नहीं सुन रहा भैया। सुनो तो क्या सुनेगा यार आदमी। भैया मैंने एक एक खर्चे का हिसाब लिख दिया हूँ, सब कहानी खत्म हो गई हो, इतने हद तक गिर गए हम लोग की अब क्या बोलते, इतने दिनों तक हुआ सब चीज पर इतना इतने हद तक नहीं गिरे थे। इधर बैठ के बात करो, कैमरा चालू हुआ बनाते रहते हैं तो बनाऊंगा ना भाई, तो कोई बात ही नहीं बनाना भाई, किसको बता रहा है। अरे देखो बहस करने बैठे हैं पर बात करने बैठे हैं, नहीं जमती कहानी नहीं करने के काम, खुशी खुशी हट जाते हैं सब लोग। आंसू वहां से मोबाइल उठा अपना कर लेते हैं सब अलग अलग। और बाकी कौन कौन आ रहा है बुला लो सबको। कोई क्या आएगा, वो सुनने को नहीं आ सकता। ज्ञान क्यों, ज्ञान तो सब देते हैं ना, ज्ञान देने सब आते हैं गोविंद भैया। मैटर जब हाथ से बिगड़ जाता तो कोई नहीं आता, बुरे वक्त नहीं पता चलता कितने अपने। रही बात की तो बाद में आया था, अपन ने लाए थे उसको, वो बाद ही में आएगा। इतने लोग स्टार्टिंग से जुड़े थे ना अपन, तो क्या बात हो गई यार, क्यों क्या वही वही घसोगे हो, उधर ही से पूछो अपने से। तो अभी तक इतने बार भैंस भी यार तुम सबको मतलब हर सबको देखते हुए चले, पर इस बार एक ऐसा समझे नहीं कि तुम्हारे छोटे भाई बहन भी हैं। अरे यार एक कड़ाई की भी हद होती है ना यार, अब हम क्या बुद्धू ही इनके पूरे, हमको कोई अकल ही नहीं है क्या। हमको नहीं अकल, तुमको पूरी अकल है। भाई किसी भी चीज को करने के लिए एक दूसरे के साले से ही तो होता है ना, एक दूसरे को समझना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तुम जो बोलो वो सही है, हम जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल कहीं से कहीं तक सही नहीं है। भाई हम भी तो चैनल के हित में और कुछ सोच समझ के हम भी तो बोलते होंगे ना। तारे मैं तो शुरू से नहीं जमा हूँ इसलिए इतनी बार बिगड़ती है। ताल वाल सब जमा हुआ भाई, समझना ही नहीं चाहते। तालमेल नहीं जमता तो अभी तक के चलती भी नहीं कार। अरे तो तालमेल जमता तो जिंदगी निभ जाती है, एक दो साल के लिए तालमेल कहते हैं। तो अपने आप को सुपरस्टार थोड़े समझना पड़ता है इसके लिए। सुपरस्टार समझता ना तो कब की कहानी खत्म हो जाती। परिवार में किस एक चीज बताओ, परिवार में कौन किसको, कोई कलेक्टर भी घर में आएगा बन के ड्यूटी से तो वो घर में कलेक्टरी दिखाएगा क्या बताओ। अरे यार पॉइंट की बात पूछो, करना क्या है तू ही बताना भाई क्या करना है। आसू प्रिंटर के ऊपर मैंने रजिस्टर में सब कुछ लिख दिया हूँ, फाइल रखिए, फाइल लेके आ, मोबाइल लेके जा, क्या पूरा वीडियो बना, क्या उसमें सब कुछ लिखा, सब कुछ पब्लिक के सामने। इधर आके बैठो ना, वीडियो में आओ ना, फट क्यों रही है। मेरी नहीं फटती तो फिर इधर आके बैठो ना, तो फिर यहां बैठा हूं तो कौन सी दिक्कत। नहीं तो यहां वीडियो में आओ ना, वीडियो में आने में क्या दिक्कत है। आ जाऊंगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं, इसे खाया पिया नहीं। तो ऐसे आओ ना सामने, तुम यार बहस मत करो, बता रहा हूँ।
वैसे भी रात में सब हद पार हो गई है। हद में रहोगे तो ठीक रहेगा। हाँ तुम भी कायदे में रहो, समझ गए। अरे बहस करने नहीं आए अपन, यहाँ बात करने आए। बच्चों वाली झगड़ा कर रहे हैं। बच्चों वाले यार ऐसा लग रहा है कि चॉकलेट की लड़ाई चल रही होंगी। एक एक की लड़ाई, एक की लड़ाई, दोनों बहस चल रही जैसे बचपन में लड़ते थे। कहाँ भैया, तुम तो भाई भाई जैसे रहने के बाद ऐसी हरकत कर रहे हो यार। अरे वही तो गुनाह हो गया भाई, समझ नहीं। रख दे वही वाले कमरे में। चला अपना भाई सगा भाई जैसे समझ के आज तक क्या दिख रहे हैं। हाँ उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। चलो यार होता है, एक एक करके जाओ, कोई किसी को बताएगा नहीं क्या लिखा है। आओ यहाँ पे, उसके बाद में बताऊँ गलत है क्या। सिर्फ यही बताना गलत है, कौन गलत है ये बताना। नहीं चलिए, क्या क्या है, तुम जाओ पढ़ के आओ क्या है। अरे मोबाइल लेके जाओ, वीडियो शूट। किसी को कुछ मत बताना, बस तू रजिस्टर पढ़ ले, बस क्या पढ़ ले और राय देना और चुपचाप जाके खड़े हो जाओ, खत्म। सबसे लास्ट में देख लो जैसा भी है। ये ज्यादा है हमारे यहाँ का चपटा का चपटा यार, सबसे लास्ट में देखो ना। हाय सेकंड ईयर का है यहाँ पे। कार्यालय अधिकारी बोल रहे हैं। कुछ नहीं आया, जाओ 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 जाओ, चले जाओ चले जाओ। नहीं आया ना, तुम भी जाओ, क्या लिखा है पढ़ के आ जाते। वाह भाई, पूरे दो साल का हिसाब लिखा है वहां पे। घंटा ये सब सुनने वाली कार है। जाओ पट से आना, मेरे को भी आ। देख लो उस रजिस्टर में, वो उसी में। आपको भी कुछ ऐसा, ये जितना ये रखा नहीं इससे ज्यादा तो बर्बाद कर दी। उसको खुद ने बता भी, कुछ नहीं बता, कुछ अरे मगर सुन रहे क्या, कुछ पता नहीं चला। पता है पिंकी दीदी को बताना, पिंकी नहीं, पिंकी दीदी को बता लो भैया, पिंकी दीदी को बता ला। देखोगे ये देखे, आया मजा। ऐसा कुछ नहीं है, सब मिले हुए भाई। ये तो दो साल की मेहनत थी, इसको कुछ अट्रैक्टिव तरीके से दिखाना था, जिसके लिए हम लोगों ने रात में प्लानिंग की थी और रात को इसको 50 किलोमीटर दूर से लेने गए थे, जो आपको दिखाया था। तो यार ऐसा कुछ नहीं, आप लोगों की प्यार और मोहब्बत से आज ये आया है। मेहनत हो रही थी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट में बार बार पूछते थे भैया 1 लाख सब्सक्राइबर कब होंगे, जब हो गए तो आप लोग बोलने लगे कि सिल्वर बटन आ गई क्या। तो दोस्तों यही था, हमने सोचा यार इतनी अच्छी, ये हमारे लिए एक अवार्ड है। क्यों, ये हमारे लिए हमारी 2 साल का मेहनत YouTube की तरफ से अवार्ड है। ऐसा मायने नहीं रखता हमारे लिए, ये मायने रखता है। तो दोस्तों इसके प्लानिंग कुछ अट्रैक्टिव टाइप की करने की थी, क्योंकि सबको हमको डरा के बुलाना था, सबको ऐसा लगना चाहिए था कि यार आज सब खत्म। बहुत कुछ प्लानिंग के तहत हुआ और यार ये सब करने के लिए बहुत मतलब बड़ा कलेजा भी था। और दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हम लोगों को कॉमेडी अंदाज में देखे थे,
अब इस बार आपको कमेंट करके बताना कि हमारा सीरियस रोल था या नहीं था, या हम बनावटी कर रहे थे। क्या आप लोगों को ये सच में लग रहा था कि नहीं कि सही इनके बीच में कुछ हो चुका है करके, तो इसके बारे में कमेंट करना जरूरी है। दोस्तों हम लोग लड़ते झगड़ते जरूर है पर मोहब्बत अंदर से है, लड़ना तो ऊपर से होता है यार, हर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं। निकाल दी थे यार हम लोगों ने, और सुकून आया कि नहीं उसको देख के? मैं उसको फोड़ने वाला हूं। कैसा लग रहा है भाई, बता दो ईमानदारी से। कैसा फील कर रहे हो? बोलने पा रहा हूँ यार, नहीं पूरा खबरा दिए थे बोले डर गए थे। इतना बड़ा फ्रैंक हो जाएगा कभी नहीं सोचे थे कि और ये नहीं, नाम 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 हमारे लिए फ्रैंक होगा ये सोचे थे हमको नहीं। और दोस्तों आप लोग का एक डाउट और क्लियर कर देते हैं, आप लोग पूछते थे कि भैया गोविंद बरगाटी से टीजीबी क्यों कर दिए, तो यार क्योंकि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे, तो हम लोगों ने गोविंद बरगाटी को हटा के टीजीबी कॉमेडी कर दिया। आज भी वही है, टेंशन मत लीजिए, टीम गोविंद बरगाटी। ठीक है दोस्तों, अभी और कुछ होने वाला है आगे, क्योंकि बाकी के हमारे जो साथ वाले लोग हैं वो अभी पहुंचे नहीं है उन लोग को, और फिर से सब लोगों को यही यही करना है ना, और जो नहीं करेगा उसको उसको फांसी लगा दिया जाएगा। सीरियस मोड में सब लोग चलो देखते हैं आगे और किसका कैरियर क्या हो गया। निकाल दिए, क्या बताऊं यार साला, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन लोग छोटी छोटी बात पे ऐसे लड़ झगड़ के निकल गए यहाँ से, अब पूरा सब पता नहीं साला, इतने दिनों की मेहनत पूरी बर्बाद हो जाएगी क्या साला। आज तक ऐसा नहीं हुआ था, कल वीडियो आने की हमारी कभी एडिटिंग नहीं हुई है, वैसे ही छोड़ छाड़ के चले गए पता नहीं, और सब मेरे सुपुर्द कर दिए। आगे क्या होता है ये सब आपको और दिखाऊंगा मैं, और मेरे को तो एडिट करते भी नहीं आता कुछ नहीं भैया, अब मेरे को ऐसी वीडियो डालना मर जाए उधर भी साले को, है कि नहीं परेशान है, यहीं पे खत्म कर देते हैं।